जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। तो दोस्तों, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलेगा, क्योंकि शिक्षा, रोजगार और आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज होती है हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित खबर हम गारंटी के साथ में यूट्यूब पर सबसे पहले लेकर आते हैं, हमारे से पहले कोई नहीं ला सकता। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। तो दोस्तों, आज सभी राज्यों की खबर लेके आया हूँ मैं। सरकारी कर्मचारी का दर्जा सिर्फ की भी बात कही गई है और मानदेय को लेकर की बड़ी खबर है और भी कई बड़ी खबरें हैं। तो दोस्तों, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो मेरे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आपकी खबर यहाँ इस वीडियो में नहीं दी ली जा रही है तो आप नेक्स्ट टाइम पे आपकी स्टेट की न्यूज ली जाएगी। दोस्तों, देखते हैं मुख्य क्या खबरें आज की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करें दैनिक भास्कर, मार्च 1, 2019 का ये न्यूज है। ये शाहजहाँपुर न्यूज है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार शासकीय कर्मचारी घोषित करे, यही मांग मंगलवार को सोमवार को क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम SDM कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपने की कही बात। और ज्ञापन में सेवा में 10 साल जो पूर्ण हो चुके हैं बहनों के, तो उनको उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर 1997 के आदेश के आधार पर पदोन्नति पर सुपरवाइजर बनाने, कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र की तरह ग्रीष्म अवकाश और दीपावली का बोनस देने की भी बात बोली गई है। पिछले 3 माह से अटकी प्रोत्साहन की राशि का जल्द भुगतान करने सहित अन्य मांगें भी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की तहसील अध्यक्ष शोभा सोनी, राजू राजपूत, उर्मिला सिसोदिया और रिजवाना खान निशा कौशिक मौजूद थी। दोस्तों, लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपकी स्टेट की क्लियर हो पाएगी। तो नेक्स्ट देखते क्या है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन कल, ये 1 मार्च 2019 की खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन कल बुरहानपुर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच पर, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन कल बुरहानपुर की न्यूज है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच विभिन्न मांगों को लेकर 2 मार्च को धरना प्रदर्शन करेगा। अध्यक्ष कीर्ति बैरागी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के शासन स्तर के सभी सर्वे कराकर विभिन्न आंकड़े जुटाए जाते हैं, बावजूद इसके उन्हें शासकीय कर्मी का दर्जा नहीं मिला और शासकीय कर्मी का दर्जा दिए जाने, न्यूनतम वेतन की श्रेणी में शामिल कर वेतन वृद्धि करने सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध किया जा रहा है। 2 मार्च को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सेहत आंगनबाड़ी केंद्र पर बांटी कीटनाशी मच्छरदानी, ये भी 1 मार्च 2019 का न्यूज है। मुंगावली आंगनबाड़ी केंद्र पर राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बुधवार को कीटनाशी मच्छरदानी का वितरण किया गया और इस दौरान वार्ड क्रमांक 5 के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन तिवारी, सहायिका निधि कुशवाहा ने वार्डवासियों को मच्छरदानी का वितरण भी किया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों को मच्छरदानी के आरोप उपयोग का तरीका भी बताया और लोगों से कहा कि वह मच्छरदानियों को बार बार हाथ न लगाए और न ही उन्हें बार बार धोए। तो ये थी मुख्य खबरें। जब भी कोई भी खबर आएगी तो मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। अपने स्टेट कमेंट करना बिल्कुल भूले, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने आंगनबाड़ी बहनों के अंदर भी इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।